बिलासपुर में भाजपा के प्रत्याशी सांसद अनुराग ठाकुर ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वेस्ट बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह व कार्यकर्ताओं पर किए गए हमले की निंदा की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा को रोकने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटना की कीमत ममता बनर्जी को बड़ी हार के रूप में चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा ठाकुर ने आज बिलासपुर में किए गए रोड शो के बारे में कहा कि भारी भीड़ को देखते हुए लगता है कि जनता ने पुनः एक बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। गौरतलब है कि सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में स्थित प्राचीन मंदिर से रोड शो का शुभारंभ किया। धीरे धीरे अनुराग ठाकुर के काफिले में जनता का हजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने दुकानदारों, ऑटो चालकों, सब्जी विक्रेताओं से पीएम मोदी के पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी जेपी नड्डा ने बिलासपुर में पश्चिमी बंगाल में हुए घटनाक्रम तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की। नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में अंधायुग चल रहा है और गुंडाराज का बोलबाला है। इससे पहले जेपी नड्डा ने भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया और जनता ने जमकर जोरदार स्वागत किया। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता से ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला चुकी है। पश्चिमी बंगाल में भाजपा की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता ने उनकी रातों की नींद हराम कर दी है। इसी का परिणाम है कि आज ममता बनर्जी भाजपा को रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि ये बहुत ही दुख और निंदनीय घटना है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में उनके रोड शो में जिस प्रकार गुंडागर्दी की गई। उन्होंने कहा कि वे उन भाजपा कार्यकर्ताओं को सलाम करते हैं जिन्होंने इस गुंडागर्दी का डटकर मुकाबला किया। कांगड़ा सीट से भाजपा उम्मीदवार किशन कपूर के पक्ष में प्रचार करने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उस व्यक्ति के लिए वोट करने का आह्वान किया जो अपमान व लांछन सहकर भी विकास के पथ पर अडिग रहा। उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था। ईरानी ने कहा कि पब्लिक सब जानती है और जीजा साले को पहचानती है, इसलिए इस बार भाजपा की बड़ी जीत नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर पाकिस्तान को समर्थन देने वाले खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी हैं जो अपने देश के लिए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि हिमाचल में जय श्री राम का उद्घोष करने पर जेल नहीं होती, जबकि एक प्रदेश में कांग्रेस के सहयोगी दल जय श्री राम के नारे के लगाने वालों को जेल में भेज रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व उनके सहयोगी दल प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी देश के विकास में लगे हुए हैं। वहीं सांसद शांता कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को कांग्रेस के पिछले 10 साल में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों को साफ करने में लगा है और नई योजनाएं बनाई गई हैं। शांता कुमार ने कहा कि देश में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के शानदार 5 सालों के कार्य व दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, तो दूसरी ओर जिनका कोई नेता नहीं, कोई एक पार्टी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, इस तरह के लोग चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 19 मई को डाले जाएंगे। इस बारे में एसडीएम कार्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि पिछली बार हुए लोकसभा चुनावों से ज्यादा प्रतिशतता अब की बार लोकसभा चुनावों में होनी चाहिए। ये कार्यक्रम प्रशासन के द्वारा पहली बार चलाया जा रहा है। मतदान जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं और प्रशासन ने ज्वालामुखी में 12 सी में मतदान की प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ज्वालामुखी विधानसभा के क्षेत्र में स्वीप के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा वोटर मतदान केंद्र तक पहुंचे
उसके लिए पूरी तरह से योजना बनाई जा रही है। एसडीएम ज्वालामुखी राकेश शर्मा ने बताया कि 19 मई को मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।